हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। अभी तक हमने अराउंड 14 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं रीजनिंग में। और ये गुड न्यूज है आपके लिए कि इस वीक में आपका पूरा रीजनिंग हम कवर करा के दे देंगे। आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर अगले 2 वीक में हम आपका मैथ भी खत्म करा के दे देंगे। और हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए और फैमिली को आगे बढ़ाने में हमें मदद कीजिए। आपका मोटिवेशन, आपका हेल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपका मोटिवेशन और आपका जो एंथुजियाज्म जो कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, लगता है कि नहीं, सच में हम तो कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप भी बेनिफिटेड हो रहे और आप खुश हैं, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए सर, हम और एक बहुत एक शानदार और एक मजेदार टॉपिक रीजनिंग का लेके आपके सामने आया है। टॉपिक का नाम है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे एक क्वेश्चन हर बार आसाम टेट में या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखेंगे ना तो आप थोड़ा डर जाएंगे। तो हम पहले अगर कर लेते हैं ना तो हमारा फेमिलियरिटी रहता है और हमारा कॉन्फिडेंस रहता है, एक बार देख लेंगे तो उसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए सर, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ प्लस मीन्स डिवाइड, वो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, एंड माइनस मीन्स प्लस, सॉरी माइनस मीन्स प्रोडक्ट, देन फाइंड। ये ऑपरेशन दिया है, लेकिन बोला कि जहां पे भी डिवाइड दिख गया है ना आपको चेंज करना है। डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। तो अगर डिवाइड का मतलब प्लस हो रहा है तो डिवाइड के जगह पे आप क्या लिख देंगे? प्लस। नंबर चेंज नहीं होगा, ऑपरेशन चेंज होगा, ठीक है सर। और प्रोडक्ट के जगह पे आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट मतलब होता है माइनस, तो प्रोडक्ट के जगह पे आपने लिख दिया माइनस। माइनस मींस प्रोडक्ट, माइनस होगा तो प्रोडक्ट करेंगे, और अगर प्लस है तो क्या करेंगे सर? प्लस करेंगे तो डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये वाला ग्राफ है, ग्राफ में मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये वाला एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन के साथ कोई पार्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला सर, आप एक काम कीजिए, 12 को ना 2 से डिवाइड कीजिए, ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड किया 6। वही अगर मैंने आपको बोला सर, आप एक काम कीजिए, 2 को 12 से डिवाइड कीजिए, तो आपके लिए थोड़ा टफ लग हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो आज के बाद हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को कभी डिवाइड करने के लिए नहीं बोलते, उनको हमेशा बोलते हैं आप प्रोडक्ट कीजिए। डिवाइड दिक्कत देगा लेकिन प्रोडक्ट आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। कैसे? डिवाइड के बाद जो भी नंबर है ना सर, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इतना तो हम जानते हैं। हमने आपको बोला आप एक काम कीजिए, जहां पे भी डिवाइड दिख गए ना सर, आप डिवाइड से प्रोडक्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिवाइड से प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, डिवाइड के बाद जो नंबर है ना सर, वो उल्टा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहे, मैंने आपको बोला कि आप 2 को ना 4 से डिवाइड कीजिए, 2 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो हमने आपको बोला डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला गया। लेकिन डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा ना, वो उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 1/4। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते, तो मैंने बोला 16 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 12 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये वाला 2 इंटू 12/1 मतलब 1/12, ठीक है सर। तो 2 जाएगा हमारा 12 में 6 टाइम्स, 6 गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचाएगा सर? सब कैंसिल आउट हो गया, तो एक ही बचा हुआ है, तो ये वाला एक बचा हुआ है। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया सर हमारा? 24, और 24 माइनस 1 कितना हो गया सर? 23। उम्मीद है ये वाला क्लियर हो गया होगा, तो आंसर इज योर 23। तो उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे। चलिए सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको? इफ पी डिनोट्स डिवाइड, क्यू का मतलब है प्रोडक्ट, आर का मतलब होता है प्लस, एस का मतलब होगा माइनस, तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते। क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है सर? क्यू मतलब प्रोडक्ट, 12, पी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड बहुत अच्छा, फिर उसके बाद आर का मतलब होगा हमारा प्लस 5, एस का मतलब होता है, एस का मतलब दिया हुआ है हमारा माइनस, तो माइनस 6, ठीक है सर। हमें क्या पता है, एक रूल हमें पता है, बोधमास रूल, ये आपने सिंप्लीफिकेशन में बोला, तो पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर डिवाइड आएगा, फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई आएगा, फिर उसके बाद ऐड आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन, और लेफ्ट टू राइट होता है। तो पहले हम किसका काम करेंगे सर? डिवाइड का।
डिवाइड ये दोनों के बीच में हो रहा है तो पहले हमने किया डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा सर, 3 प्लस 5 माइनस 6। बहुत अच्छा, डिवाइड का काम हो गया। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब पहले प्रोडक्ट का काम करेंगे, 318 सा 54 प्लस 5 माइनस 6। अगर आपने प्रोडक्ट किया तो उसके बाद आपको प्लस करना है, तो 54 प्लस 55, 54 प्लस 5 कितना हो गया सर, 59 माइनस 6, और 59 माइनस 6 कितना हो जाएगा सर, हमारा 53 हो जाएगा। क्या ऑप्शन 53 है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। उम्मीद है ये वाला आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए रिप्रेजेंट्स डिवाइड, ए का मतलब हो रहा है डिवाइड, बी का मतलब है आपका प्लस, बी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है माइनस, एंड डी का मतलब है आपका प्रोडक्ट। ठीक है सर, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप हमें कमेंट में बोलेंगे सर इसका आंसर क्या हो रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे। ये असम टेट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है और ये एसएससी का भी क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन असम टेट में कॉपी किया गया था, तो ये वाला कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बोलेंगे कि आपका आंसर क्या हो रहा है। चलिए फिर हम सेकंड टाइप में जा रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप में जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है ये वाला टाइप में। जो ऑपरेशन दिया हुआ है आपको वो ऑपरेशन एक्चुअल ऑपरेशन नहीं है, आपके खुद से आपको ऑपरेशन एज्यूम करना है और आपको आंसर लाना है। आप यहाँ पे जो अप्रोच लगाएंगे और ये जो आंसर लाएंगे सेम अप्रोच, यहां से भी वही अप्रोच से आपका ये आंसर आना चाहिए। अगर आपका सेम अप्रोच से ये आंसर आ रहा है इसका मतलब आप सही हो। अगर आपने ये वाला और इस अप्रोच से ये वाला आंसर आ गया लेकिन ये नहीं आया इसका मतलब हमारा अप्रोच गलत है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला फोर ट्राइंगल टू एट द रेट ऑफ थ्री, इसका मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऑपरेशन, ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाइए कि आपको सिक्स आ जाए, क्या होगा बोलिए। अरे सर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे ट्राइंगल, आप इस वाले ट्राइंगल पे हम डिवाइड साइन लेते, तो फोर को अगर टू से डिवाइड किया तो कितना बार जाएगा सर, टू टाइम्स गया, और एट द रेट पे इंटू कर दिया तो टू इंटू थ्री कितना हो गया, सिक्स। ठीक है, लेकिन अभी हमने जो अप्रोच लगाया इससे आपका आंसर आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसी अप्रोच से अगर ये वाला आंसर आया तो अब हमारा अप्रोच सही है। तो चेक कर लेते, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिवाइड 18 डिवाइडेड बाय 6, मैंने लगाया मेरा 3, और एट द रेट ऑफ में मैंने किया प्रोडक्ट, तो 3 4 का कितना हो गया हमारा 12। उम्मीद है ये वाला क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब हमारा अप्रोच सही है सर। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं डिवाइड और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो 24 जाएगा हमारा, 24 में 3 जाएगा हमारा 8 टाइम्स, और 8 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऑप्शन है, तो हमारा आंसर सही है, हम सही जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऑपरेशन दिया हुआ है 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 8 कितना हो रहा है 35, तो ये वाला 35, ये हमारा आया 35, लेकिन अगर हम 35 से अगर 11 माइनस करेंगे तो 24 आ रहा है। तो चेक करते हैं कि इसी ऑपरेशन से ये वाला आंसर आ रहा है क्या, 10 इंटू 20, 20 प्लस 7, 10 इंटू 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा 27, और 27 से अगर हमने 11 माइनस किया तो 16, हमारा 16 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 35, लेकिन इसका मतलब हमारा अप्रोच गलत है, तो अप्रोच गलत है, हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, है ना सर। तो अगर हमने उसको किया तो कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास एक टिक मतलब ये जो दिया हुआ है ना ये वाला, इस अप्रोच से तो आंसर आ नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में कुछ और ऑपरेशन यूज किया है। अब वो ऑपरेशन क्या यूज किया वो आपको निकालना है। मैं काम करता हूं, मैं 9 को ना 3 से डिवाइड करता हूं, तो 9 को अगर 3 से डिवाइड किया तो मिलेगा हमारा 3, और यहाँ पे प्लस के जगह में अगर मैं प्रोडक्ट यूज कर लेता हूं तो 3 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा 24। क्लियर है सर। तो अभी अगर हम करेंगे तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 5, और 5 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, क्लियर है सर, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट के जगह में हम क्या यूज कर लेंगे, डिवाइड, तो 80 को अगर 40 से डिवाइड किया तो कितना बढ़ जाएगा 2, और 2 में अगर प्लस के जगह में प्रोडक्ट यूज किया तो 2 इंटू 3 कितना 6, मतलब हम सही है, पूरा सही है। तो कीजिए, प्रोडक्ट के जगह में हम कर देंगे डिवाइड, तो 12 को अगर 4 से डिवाइड किया तो होगा हमारा 3,
और प्लस के जगह में हमने प्रोडक्ट कर दिया तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन आ गया बी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 and 6% of 7 इज इक्वल टू 33, 4 and 6% of 8 इक्वल टू 54, 6 and 8% of 9 इक्वल टू व्हाट? ये मैं आपको बोल रहा हूं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपका आंसर क्या हो रहा है। और इसी के साथ हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ। बहुत सारा स्टूडेंट्स का मैसेजेस आता है, कॉल आता है और इतना पैनिक हो रखे कि हमें प्रिपरेशन कैसे लेना है ये वो। देखिए सर, हमने पहले ही बोला हम कम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज कम पढ़ेंगे लेकिन बार बार उसको रिपीट करेंगे। ऐसा कि नहीं कि चला पूरा एकदम यूपीएससी का प्रिपरेशन लेकर बैठे, नहीं, ये 2 महीने में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम आपको मोटा मोटा फिर से बोल रहे हैं, आप अपना रिविजन, आप अपना प्रिपरेशन को लिमिट कर दीजिए। अगर आपने प्रिपरेशन को लिमिट नहीं किया तो इतना पढ़ के जाएंगे ना, बाकी बाद में जाके रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ऊपर वाला ऐसा ना करे, क्योंकि हम अगर ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा। मैथ्स और रीजनिंग हमने जितना कवर करवाया, हमारे साथ साथ आप करते जाइए, आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है वो पूरा कवर अप हो जाएगा, इंक्लूडिंग एसएससी क्वेश्चंस। ठीक है सर, मैथ्स और रीजनिंग का तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ले ही ले रहा हूँ, ये तो हमने पहले ही बोला और आपको देख भी रहा है कि 1 महीने में हमारा पूरा मैथ्स और रीजनिंग खत्म होने मतलब होने को है। मैथ्स कब तो टाइम लगेगा वो भी हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी देखिए सर, अभी फिर उसके बाद हमने आपको बोला कि हमारा मैराथन क्लास चल रहा है। मैराथन क्लासेस में जीएस में ना जितना भी सेक्शन वाइज हम ले रहे हैं, ज्योग्राफी का पूरा कवर अप करवा दिया, प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो हमने पूरा कवर अप करवा लिया। ज्योग्राफी का उसको कवर अप कर दीजिए, एक बार उसको कवर कीजिए, जो नहीं आता उसको उसका शॉर्ट नोट बनाइए, बार बार रिपीट कीजिए। फिर उसके बाद हम आसाम हिस्ट्री का भी मैराथन लेने वाले हैं, अभी उम्मीद है ये लेक्चर के आगे भी पीछे मिल ही जाएगा आपको। फिर उसके बाद हम आपका लास्ट 5 ईयर्स का जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो सब आप आपका मॉक टेस्ट में कवर कर रहे हैं। आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार फर्स्ट टू लास्ट वीडियो देख के आप बोलना पूरा जितना भी आज तक बना है हमारा वीडियो, कितना क्वेश्चन सेट बना वो आप इतना हजम कर लीजिए, काफी है, वो भी नहीं कर पाएंगे शायद। आप मान के चलिए ये लास्ट तक हमारा प्रिपरेशन खत्म होते होते ना सर, हम आपके पास 5000 से लेके 6000 क्वेश्चन सेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी डिपार्टमेंट आया हुआ है, इंक्लूडिंग जो भी हमारा मतलब एसएससी में आया हुआ है, सब कवर अप हो जाएगा। क्या हमारा इतना बुरा दिन चल रहा है कि 5-6000 क्वेश्चन में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फॉर्मेट लिया तो आउट ऑफ 100 क्या 50 क्वेश्चन भी हमारा कॉमन ना है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीएस इंग्लिश ये सब फिक्स टाइप है, इससे कुछ बाहर कुछ आने वाला है नहीं, फिक्स है और घूम फिर वही बार बार रिपीट होता रहता है। ये आपको भी बताए इसका एक लिमिटेशन है, दिस इज अ टाइप फिक्स्ड और वही चीज बार बार आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछता रहता है, तो उसी को हम बार बार करते हैं ना। आप बेकार में इतना सारा मटेरियल आप कलेक्ट कर लेते हो, हर वीडियो को हर यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर रहे हैं, हर किसी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि आप वो मत देखिए ये मत देखिए, लेकिन मैं ये चीज मानता हूँ मेरे से सब अच्छा है, सबसे बुरा अगर मैं मानता हूँ मैं कर रहा हूँ, बाकी सब मेरे से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चैनल पकड़ रहे हैं ना उनका पूरा एक को पकड़िए और अच्छे से उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि सब अपने फील्ड में सब महारथी है। लेकिन एक को एक प्लेट मतलब एक टॉपिक 10 प्लेटफॉर्म से मत देखिए, एक प्लेटफॉर्म से एक टॉपिक 10 बार देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था। बाकी आप मैच्योर है, आप समझ सकते हैं, टाइम का लिमिटेशन बहुत कम है, हमें भी वीडियो बनाने का बहुत मन होता है आपसे बात करने का, लेकिन हमें भी एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा बाइट में आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और बहुत एक डायरेक्शन मिल चुका होगा अभी तक। आप पहले जो स्टार्ट किया था बिल्कुल भी नहीं हुआ था उस टाइम, लेकिन अभी हमारा काफ़ी स्मूथली चल रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है आपका मोटिवेशन, आपका एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म कमेंट सेक्शन में देखे, और आपका वैसी मोटिवेशन हमें मन होता है कि इतना बिजी रहने के बाद भी एक लेक्चर लेके आपके सामने आने के लिए, क्योंकि हमें वो पता है होता है कि आप वेट कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ में जुड़े रहने के लिए। तो चलिए सर, इसी के साथ हम लेते हैं आपका अलविदा। अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, अपने फ्रेंड्स के सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।